हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है संजीव मजोत्रा और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, जो आपके 11th क्लास में भी आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्म में वो आपकी क्लास 12th में भी आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही हम कह सकते हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे, जो हम 11th क्लास का भी पढ़ेंगे, अगर आपके 11th क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो फिर फायदा क्या होगा कि आपको 12th में बहुत ज्यादा आसानी रहने वाली है। मतलब अगर आपका बेस 11th में अच्छा है तो 12th में वही आधा चैप्टर पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको लगातार अच्छे से देखिए, अपने जितने भी हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, तो आपके लिए 11th क्लास और 12th क्लास में ये वाला चैप्टर तो आसान होने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हम बात करेंगे आज वो है सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो मैंने कहा 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में आएगा, और ये वाला टॉपिक आपको 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में भी मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो मिलेगा ही। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, वहां पे भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तभी मैंने ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, आज आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। सिंपल सी बात, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि कोई भी चार्ज, ठीक है, एटम पे चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो जो चार्ज है वो क्या है, फॉर्मल चार्ज। जो फॉर्मल चार्ज होगा किसी भी एटम के ऊपर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये फॉर्मल चार्ज क्या है, एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स है और अलग अलग एटम्स का इंडिविजुअल चार्ज, वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है फॉर्मल चार्ज पे, अगर नहीं पता आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको फॉर्मल चार्ज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, वहां से आप एक बार फॉर्मल चार्ज की वीडियो जरूर देखिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर सिंपल बात करें तो वो क्या है कि फॉर्मल चार्ज है, किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएंगे, हमें पता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो क्या क्या ऑप्शंस होती है, या तो वो क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, शेयरिंग करेगा, ऐसे बनता है। अगर वो एक एटम लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, है ना, लूज और गेन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था हमने, तो उसे हम क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड बोलते थे। ठीक है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था। ठीक है, जैसे सोडियम था, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता था, एक लूज एक गेन करेगा, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनती थी। जब सोडियम लूज करता था तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता था तो क्या होता था, यहां पे क्या आता था, Na प्लस, मतलब ये क्या आ गया, प्लस वन, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया, 2, 8, 1, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर 11, और ये एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास आउटरमोस्ट शेल में, तो ये लूज कर सकता है, तो क्या आ जाएगा, प्लस वन, ये प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ गया। ठीक है, तो क्लोरीन क्या होता था, क्लोरीन के पास क्या होता था, 2, 8, 7 आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको एक चाहिए आठ करने के लिए, इसको एक चाहिए थे, तो ये क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था, तो क्या आता था, Cl नेगेटिव। अब यहां पर चार्ज क्या आ गया, -1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, -1। चलो ये तो बात होगी हमारी किस चीज की, कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड आ गया। ठीक है, अगर तो आयनिक है तो ठीक है, दूसरी की ऑप्शन होती थी। चलो ये भी एक बता दूं कि आयनिक बॉन्ड के बारे में अगर आपको बेसिक सा भी नहीं पता तो आप उसकी भी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, आई बटन में भी लिंक दूंगा, वहां पे आप आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़िए। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, शेयरिंग करके। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग कैसे होती थी, इसमें क्या था कि एक जो एटम होगा हमारा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसमें क्या है,
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करता था क्लोरीन, क्या करता था, दो चार छह सात, सात थे, और ये क्या करता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग करता था, ऐसे शेयरिंग करता था। याद याद हो आपको, नहीं पता तो कोवलेंट बॉन्ड की वीडियो भी देख लीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस वन, यहां पे डेल्टा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पढ़ते थे, तो यहां पे हम क्या मान लेते हैं, यहां पे प्लस वन चार्ज है। तो ये कहानी किसकी है, कोवलेंट बॉन्ड में हो तो कैसे होगा, कोवलेंट बॉन्ड में क्या देखेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी तरफ लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके खींच के लेके चला गया, शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके चला गया, यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो ये माइनस वन क्या आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आयनिक में भी है, कोवलेंट में भी आपको क्या नजर आएगा, चार्ज नजर आएगा। वो चार्ज कैसे बना वो मैंने बता दिया आपको, कि या तो हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड में बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर शेयरिंग के कारण बनता है। तो जो भी चार्ज आएगा, देखो इंडिविजुअल चार्ज, मैंने क्या बताया फॉर्मल चार्ज क्या होता था, फॉर्मल चार्ज क्या होता था कि हर एक एटम के ऊपर अपना इंडिविजुअल चार्ज। तो ये अपने इंडिविजुअल चार्ज आ गया, तो ये क्या बोलते हैं प्लस वन। तो ये प्लस वन क्या थी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है, माइनस वन क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके केस में क्या आई पॉजिटिव, इसके केस में क्या आई नेगेटिव। जिसने लूज किया या लूज किया, या जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन चले गए, वहां पे क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन। अब यहां पे क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ से दूसरी तरफ चले गए, हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर ये था, ये खली था, ये बेचारा छोटा सा बच्चा था, छोटा भी बच्चा भी नहीं लगाओ उसके साथ, खली जी के सामने तो बड़ा बंदा भी लगा दो, तब भी वो खली जी रस्सी खींच के ले जाएंगे। तो यहां पे खली जी रस्सी खींच के ले गए, तो यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये कम है, जिससे लेके चले गए, जिससे लेके चले गए उस पर आ गया प्लस वन, या जितने भी इलेक्ट्रॉन लेके गए प्लस वन, मतलब प्लस वन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हाइड्रोजन की। जो लेके गया, जो लेके गया, लेके कौन जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अगर लेके चला जाएगा, इधर को लेके चला गया, तो इस पे जो स्टेट कौन सी आएगी, ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, वैसे याद रखना, तो हम कहते हैं नेगेटिव बंदा है यार, ये बंदा ना उसको बेचारे को ले गया खींच के, इसको नेगेटिव, उसकी उसकी इमेज बन जाएगी, वो नेगेटिव इमेज बन जाएगी, उसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। ऐसे याद रख लेना कि ये क्लोरीन ले गया खींच के अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, तो इस पे इसकी इमेज जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, लोगों के दिमाग में नेगेटिव इमेज बनेगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की एक डेफिनेशन भी होती है, वो क्या होती है वो भी देखते हैं। और अब देखिए डेफिनेशन की अगर बात करें, जो मैंने पहले बात की है, तो ये क्या थी, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए स्पीसीज, स्पीसीज में हर एक एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आएगा, इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। या अगर इस तरीके से देखें तो ये क्या कहती है, इट इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होगा, एक नंबर है। ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को शो कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। विच एन एटम हैज और अपीयर्स टू हैव व्हेन कंबाइंड विद अदर एटम्स, जब वो किसी के साथ कंबाइन करेगा तो उसका अपना एक चार्ज होगा। ठीक है, या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो वो चार्ज जो होगा वो चार्ज क्या है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ रूल्स असाइन किए हैं, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करेंगे, उन रूल्स को रटा नहीं मारना, याद नहीं करना है, बस समझ लें, रूल्स को समझो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना समझ आओगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो रूल्स कौन कौन से हैं, बस समझते हैं, याद नहीं करना, मैं अब कह रहा हूं याद नहीं करना, कि आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि रूल्स बताओ कौन कौन से रूल्स हैं, बस आपको समझना है और समझ के उसको इंप्लीमेंट करना है कि किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए रूल्स देखते हैं कौन कौन से। अब जैसे कि मैंने कहा कुछ हमारे रूल्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, काफी सारे रूल्स हैं। तो जो हमारा पहला रूल है
कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंटल स्टेज इज ऑलवेज जीरो. अगर हमें एलिमेंटल फॉर्म में अकेला नजर आएगा, ठीक है, उसका उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही जीरो लेंगे. अगर सोडियम अकेला है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, इस तरीके से नजर आए, इस तरीके से नजर आए तो हमेशा क्या करेंगे, इसको हम क्या लेंगे, जीरो. एलिमेंटल फॉर्म किसी भी, हम कह सकते हैं जो एलिमेंट होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे वो हमेशा, अगर वो एलिमेंटल स्टेज में, एलिमेंटल स्टेज मतलब अकेला है इस तरीके से, तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो. क्या रहेगा, जीरो. ठीक है, फिर अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल एटम एनायन और कैटायन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, अगर कोई भी कैटायन या एनायन है, कैटायन या एनायन, जो उस पे चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे जैसे हम बात करें, सोडियम लूज करता है, प्लस वन बन जाता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, प्लस वन होता है, तो ये इसका क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, प्लस वन. क्लोरीन लूज तो करता नहीं है, क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन, इस पे आता माइन चार्ज माइनस वन, इसका चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, माइनस वन. मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल एटम अनायन, सिंगल एटम अनायन या सिंगल एटम कैटायन, जो भी इसके ऊपर इसका चार्ज आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा. अगर यहां पे अगर मान लो एक और देख लो, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम टू प्लस ऐसे होता है, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर सकता है, 2A2 ऐसे होता है ना, 2A2, ये दो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो ये Mg2+ बनेगा. अगर ये 2+ बन रहा है तो ये इसका चार्ज आ गया, तो ये चार्ज क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरीके से पता चलेगा. ठीक है, और कोई एग्जांपल देख लो, एल्यूमिनियम Al3+ ऐसे होता है, तीन इसका चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आ गया इसका, +3. ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर. ये रूल्स है. फिर उसके बाद हमारा अगला रूल क्या आएगा, अगला रूल क्या है, अगले रूल की बात करें, मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटल्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. मेटल्स की क्या होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन को जो जल्दी लूज करेगा, मेटल की प्रॉपर्टी है ना, मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, लूज करते हैं, लूज करने वाला हमेशा चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगी उसकी, पॉजिटिव. मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज करके फटाफट उस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खाली वाली एग्जांपल, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, गेन करे, गेन करेगा उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव. खींच के ले आया अपनी तरफ, छीन के ले आया, जो छीनने वाला बंदा उसको नेगेटिव बोला जाता है. तो नॉन मेटल्स को इस तरीके से हम नेगेटिव कहेंगे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. नॉन मेटल्स की नेगेटिव, मेटल्स की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. ये तो हो गए हमारे तीन रूल्स. अब इस पे बात आगे करें तो अगर तो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली क्या होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में जो हमारा पहला ग्रुप है, अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप में एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे याद है कुछ, ये पहले क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पहला ग्रुप कौन सा, वो अल्कली मेटल्स है. अल्कली मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो अल्कली मेटल्स जितने भी होंगे, अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम का लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये किस में आता है, इसमें पहले ग्रुप में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो सात वाला ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप नंबर वन, ये ग्रुप नंबर टू, ये वाला सेकंड, इसकी टेंडेंसी क्या आती है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की. दो इलेक्ट्रॉन सभी जितने भी सारे बंदे हैं, जितने भी हम इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. दो वाले को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो इनकी टेंडेंसी दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, तो ये हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, +2, जिसमें हमारा मैग्नीशियम आता है. मैग्नीशियम जब हमने एग्जांपल किया ना, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा.
ठीक है, तो ये हमारा अगला रूल आ गया। अब अगले रूल में क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पे ऑक्सीडेशन हमेशा याद रखो कि सिर्फ हाइड्राइड जब बनेंगे तब ऑक्सीजन स्टेट हाइड्रोजन की -1 रहेगी, नहीं तो +1 रहेगी। हाइड्रोजन की 90% ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है? +1। जब मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में आएगा, मेटल हाइड्राइड क्या होता है? जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ेगा, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्राइड है ना, ये वाला। अब यहां केस में जब हाइड्राइड बन के आएगा, हाइड्राइड क्या होता है? जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ जाए, जब वो किसी मेटल के साथ लग के आएगा तो तब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। -1 याद रखना पूरा, वैसे +1 ही होगी। ज्यादातर आपको हमेशा आंख बंद करके +1, पर जब मेटल हाइड्राइड आएंगे एकदम से आप अलर्ट हो जाओ, अच्छा हाइड्राइड, तब आप क्या लिखोगे? -1। वैसे ये एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस पे ही आता है, मतलब आप जो कहते हैं कंफ्यूज कब होगे जब आपको ये एक्सेप्शंस आएंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? फ्लोरो ग्रुप, जो पूरी की पूरी हैलोजन लास्ट में सेकंड लास्ट जो आपकी 17 ग्रुप जो आता हमारा, उसमें क्या होता है? हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे क्या है? हैलोजन्स है। सो सभी हैलोजन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाला है? -1। सभी हैलोजन्स, अल्कली का +1, अल्कलाइन अर्थ का +2, हैलोजन्स का -1। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन, यहां पे भी आपको चौकन्ने रहना है, जैसे हाइड्रोजन पे ध्यान दिया आपने। मैक्सिमम केस में ऑक्सीजन का आंख बंद करके -2, ज्यादातर -2। अलर्ट कब होंगे? जब हमें मिलेगी परोक्साइड फॉर्म, ठीक है, जैसे Na2O2, ठीक है, ये परोक्साइड फॉर्म में, यहां पे आप अलर्ट हो जाओगे। यहां पे सोडियम परोक्साइड में जब बनेगा तब परोक्साइड जब आ जाए, परोक्साइड जब आ जाए, परोक्साइड तब -1। जब परोक्साइड आएगा याद रखो -1 ऑक्सीजन स्टेट। जब इस तरीके की कुछ आएगी OF2, तब ऑक्सीजन -2 भी नहीं रहेगा, -1 भी नहीं रहेगा, क्या होगा? +2। ये एक्सेप्शन याद रखनी है आपने। ये स्टार डालो, ये स्टार डालो, ये वाली चीज भी स्टार डालो, इसे आप दो बार देखिए, ठीक है। चलिए आगे, पॉलीटॉमिक, अगर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, जैसे S8P4, तो इसका भी क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। इस तरह से मिलते हैं पॉलीटॉमिक, मिलते हैं तो इसका भी क्या होगा? 0। अब यहां पर मेन चीज जो हमारा रूल है, यहां पे लग तो बड़ा टिपिकल सा रहा है पर बहुत आसान है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स केटाइन और एनायन, कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन मतलब कॉम्प्लेक्स पूरा होगा या ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पूरे का पूरा, पूरे के ऊपर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर्म बाय मोर देन वन एलिमेंट, जो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स कैसे बना है? एक से ज्यादा एलिमेंट्स का। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ केटाइन और एनायन। अब कहने का मतलब क्या है मेरा? कैसे? ये देखिए, मान लो मेरे पास C और ये O है, दो, ऊपर चार्ज है -2। यही कह रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स केटाइन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, ये कौन सा है? एनायन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब ये इसमें क्या होगा कि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है? तो ये क्या कह रहा है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, सभी का सम, इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ केटाइन और एनायन। किसके इक्वल हो जाएगा? इसके चार्ज के इक्वल। कैसे? जैसे इसको मैं सपोज मानता हूं एक्स और इसको मानता हूं वाई, तो मैंने निकाल रहा हूं चार्ज, कैसे निकालूंगा? ठीक है, ये वन, ये भी वन, ये भी वन है, ये भी वन है, वन इंटू एक्स, वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू, यही चीज समझने वाली थी। वैसे अगर कुछ ना होता तो आप यहां पे जीरो लिखते, अगर यहां पे कुछ ना होता तो यहां पे जीरो लिखते। अब यहां पे लिखा क्या गया? -2, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? -2, ठीक है। सपोज अगर इसकी बात ही करो तो यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या है कि ऑक्सीजन का तो हमें पता क्या होता है, ऑक्सीजन का मैंने बताया था, ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। ऑक्सीजन का क्या है? -2, ठीक है। यहां पे अगर ऐसे करें, मिटा दो उसको, इसको मैं क्या
मैं मान लूंगा एक्स, ऑक्सीजन का मुझे पता है क्योंकि रूल्स के मुताबिक मैं बता रहा हूं, रूल्स के मुताबिक क्या है माइनस टू, लिखना कैसे है ये क्या है कार्बन क्या है वन इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन भी तो एक ही है, एक ही है पर इसका अपना इंडिविजुअल चार्ज कितना है माइनस टू, रूल्स के मुताबिक इज इक्वल टू माइनस टू, जीरो नहीं आएगा। अब निकाल लो ये क्या है एक्स, ये क्या आ गया माइनस टू, ये क्या आ गया माइनस टू, ठीक है, और ये क्या आ गया यार हमारा यहां पे आ गया माइनस टू और यहां पे प्लस टू, क्या आ गया जीरो, ये हमारा क्या आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई कार्बन की जीरो आ गई, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल एग्जांपल दे लेते हैं हम, जैसे Fe2O3, Fe2O3, ठीक है Fe2O3 के एग्जांपल ये देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे। अब मुझे पता है रूल्स लगाओ, हालांकि इसके अगली वीडियो में आपको मैं पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पूरा सिखाऊंगा, एग्जांपल्स अगली वीडियो में करेंगे, अभी जस्ट आपको मैं रूल्स के मुताबिक थोड़ी सी एग्जांपल्स करवा देता हूं यहां पे। अब ये क्या है Fe2O3 निकालना गया आयरन का Fe2O3, अब इसको मान लो एक्स, ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस टू, रूल्स पता नहीं। अब कैसे कैसे करेंगे इसको 2 इंटू एक्स, अब ये चीज एक चीज मैंने देखो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है क्योंकि इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया गया, इसका मतलब इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये क्या हमारा एक्स, ये क्या हमारा माइनस टू ऑक्सीजन माइनस टू, टू इंटू एक्स, टू इंटू एक्स ठीक है, थ्री इंटू माइनस टू ठीक है, इज इक्वल टू जीरो क्योंकि इस पर कोई चार्ज गिवन नहीं दिया गया, ये न्यूट्रल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पहले पिछले वाले में क्या था शायद मेरे ख्याल में वो नेगेटिव था, अब यहां पे क्या आ गया ये न्यूट्रल है, तो अगर चार्ज नहीं दिया गया तो हम यहां पे जीरो लिखेंगे। अब देखो टू इंटू एक्स टू एक्स, थ्री इंटू सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू सिक्स उधर चला गया टू इधर आ गया क्या आ गया थ्री, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई दैट इज प्लस थ्री, क्या आ गई प्लस थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं कुछ होमवर्क डालता हूं, आप करिए, अगर नहीं निकलेगी तो हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप लिख लीजिए, जैसे सपोज KNO4, इसमें आप मैग्नीज का निकालो K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का निकाल लो CHCl3, इसमें आप कार्बन का निकाल लो, ठीक है, एक्सेप्शन वाले बात नहीं करेंगे। चलो ये तीन निकालना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में भी लिखना कि आपने किस तरीके से निकाले हैं, सही निकाले या नहीं निकाले। अगर नहीं भी निकलेंगे तो हम अगली वीडियो में तो डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे, मैक्सिमम जितने हो पाएंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, फिर उसकी एक्सेप्शनल जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था, हम अगले वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पर आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।